बच्चों को ऑनलाइन क्लास में अभिनंदन है। मैं आप सभी के सामने टेंस लेकर आई हूँ, उसे हिंदी में कहा जाता है काल। काल के तीन भाव होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल को हिंदी में प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस, भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। बच्चों, वर्तमान काल वह होता है जो हम काम अभी कर रहे हैं, अभी हमारा काम जो चल रहा है। जैसे राम पढ़ रहा है, मतलब राम अभी अपना कार्य कर रहा है। जो कार्य अभी चलता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर वही कार्य काम हो चुका हो, जैसे राम यह पुस्तक पढ़ चुका है, ये पाठ पढ़ चुका है, वह भूतकाल में होगा। जैसे वह काम समाप्त हो चुका है, वह कर चुका है, तो वह भूतकाल में होगा, मतलब इंग्लिश में पास्ट टेंस। भविष्यत काल, जो काम करने वाला होता है, जो काम होने वाला होता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ने वाला है, मतलब उसका वह काम अभी हुआ नहीं है, वह अभी करा नहीं है, मतलब वह करने वाला है। तो बच्चों, जो भी क्रिया उसकी परिवर्तन होता है, जैसे पढ़ रहा है वर्तमान काल, पढ़ चुका है भूतकाल, और पढ़ने वाला है भविष्यत काल। जब हम क्रियाओं को परिवर्तन कर देते हैं, उस परिवर्तन से ही काल की क्रिया परिवर्तन हो जाता है। तो यह था हमारा टेंस काल, उसके लिए आपको जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।